हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी वीकली रीडिंग है, अगस्त 14 टू अगस्त 20। ये वीक कैसा रहेगा देखेंगे। सन मून राइजिंग किसी भी बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए मेरे चैनल के बारे में। पहली चीज़ कि 1 सितंबर से मेरा 7th टैरो कोर्स जो है ये शुरू हो रहा है। ये इस साल का आखिरी कोर्स है। नेक्स्ट जो कोर्स है वो नेक्स्ट ईयर ही आएगा, कब आएगा तो मैं ये कह नहीं सकती हूँ। तो यस, अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihiltarot@gmail.com पर। सारी इंफॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ अब मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन भी है गाइस, तो अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं, मेरे चैनल के यूट्यूब मेंबर बनते हैं, तो आपको हर महीने 2 एजुकेशनल वीडियोस जो हैं प्रोवाइड की जाएंगी। ये एजुकेशनल वीडियोस आपके स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आपको हेल्प कर सकती हैं। इस महीने की जो 1st एजुकेशनल वीडियो है वो 15 अगस्त को अपलोड की जाएगी। ओके, और ये फैमिली डायनेमिक्स के बारे में होने वाली है कि जो फैमिली मेंबर्स हमें चैलेंज करते हैं, जो हमारे ऑपोजिशन में खड़े हैं, उनके साथ बेसिकली हम कैसे डील कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। ओके, होम पेज पर आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। ओके, ऑल राइट स्कॉर्पियो, आपके पहले एफर्मेशन देखेंगे इस वीक की क्या है। ओके, आई शो अप फॉर माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड। प्रोकेस्टिनेशन, ओके, प्रोकेस्टिनेशन से बचना है इस वीक में आपको। जहाँ पर भी आपको प्रोकेस्टिनेशन का जोर सा लगे कि यू नो नहीं आज नहीं करना, बाद में कर लूँगा, बाद में देख लूँगा, इस एफर्मेशन को याद रखना। ओके, इस एफर्मेशन को याद करना इस वीक में आपको। बेसिकली आप ये जो प्रोकेस्टिनेशन का जो कह लीजिए चैलेंज है, इससे उभरने की ज़रूरत है। और एक्चुअल में आप कर सकते हो, आपकी ज़रूरत है, आपके दिखने की ज़रूरत है, आपके बोलने की ज़रूरत है, जो काम को आप टाल रहे हो उस काम को करने की ज़रूरत है। ओके, तो इस एफर्मेशन को याद रखना और प्रोकेस्टिनेशन से खुद को बचाना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी ऐसे। ओके, ऑल राइट, हम आपके टैरो कार्ड्स को देखते हैं यहाँ पर। अब Personalized messages for the sign of Scorpio, Sun, Moon, Rising. Thank you, Spirit. We have 8 of Cups, 10 of Wands, the Hangman, Ace of Pentacles, the Hierophant, the Emperor, King of Swords, the Hermit, Page of Wands, एंड क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आई थिंक इस वीक में आप कह लीजिए मिडल में, इस वीक के मिडल तक, यू नो पहले 3 दिन या कह लीजिए कि पहले 3-4 दिन में आपको यहाँ पर एक चैलेंज का सामना करना पड़ेगा स्कॉर्पियो। और ये जो चैलेंज होगा ये इंटरनल चैलेंज होगा। ऐसे थॉट्स इन दिनों में बेसिकली आपके ऊपर हावी हो सकते हैं जिसमें आपका दिल टूटा, ऐसी मेमोरीज आपकी ट्रिगर हो सकती हैं, या फिर अगर आपका कोई ऐसा आउटकम जो अनएक्सपेक्टेड था, जैसा आप सोच रहे थे वैसा नहीं था, ऐसी कोई मेमोरी आपकी ट्रिगर हो सकती है। ओके, तो उस दिन जब भी ये आपके साथ इस वीक में ऐसा हो जहाँ पर आपकी पुरानी मेमोरीज, दिल टूटने वाली या फिर डिफीट की कोई मेमोरी ट्रिगर हो, तो समझ लेना कि वो आपके लिए इशारा है कि आपको आपकी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जैसे ही ये इमोशंस आपके ऊपर हावी हों, उस समय जहाँ पर भी आप हों, 3 गहरी सांस लेकर 2-3 मिनट मेडिटेट करने की कोशिश करना। ओके, अगर आप कर सकें, अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो आप अपना काम निपटाकर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। लेकिन यस, इस वीक में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी इंट्यूशन से मिलेगा, लेकिन उसके लिए ये पोर्टल लगेगा। तो आपको बहुत ऑब्जर्व करना होगा कि आपके इस वीक में वो कौन सा समय है जिसमें आपके ऑर्गेनिकली यू नो आपके माइंड में आपके जो दिल, जहाँ पर आपका दिल टूटा या जहाँ पर आपकी हार हुई, वो मेमोरीज ट्रिगर हुई, वो विजन्स आपको नज़र आए, क्योंकि उसी समय में बेसिकली आपको अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना है। क्योंकि वो उसी समय आपको वो सिर्फ मैसेज दे सकती है, वो किसी और पोर्टल में आपको मैसेज नहीं दे सकती। ओके, तो यस, ये कार्ड बहुत सिग्निफिकेंट भूमिका निभाएगा इस वीक में आपके लिए।
स्कॉर्पियो, यहाँ पर पहला कार्ड भी हम एट ऑफ सोर्ड्स का ही देख रहे हैं। एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर डेफिनेटली बात करता है कि आप यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उससे आगे बढ़ रहे हो, उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है कि आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो और दूसरा है कि किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो आपके पास यहाँ पर एग्जैक्ट प्लान है इस वीक की शुरुआत में कि मुझे क्या नहीं करना और मुझे क्या करना है। ओके, तो इस चीज़ को लेकर आई बिलीव आप बहुत ही डिटर्मिन रहोगे। एंड आई बिलीव यहाँ पर अगेन आपकी साइकिक, आपकी सबकॉन्शियस की एनर्जी आपको बहुत सर्व कर सकती है। तो एफर्मेशंस वगैरह करते रहना, अगर कोई मंत्र चैंट आप करते हैं तो उसको करते रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम इसका पर्सनलाइज्ड मैसेज भी देखेंगे क्लैरिफिकेशन कार्ड से, लेकिन अभी जो मैसेजेस हैं मैं आपको पहले वो दे दूँ। टेन ऑफ वन से ऐसा भी लगता है कि आप इस वीक में, इस वीक के एंड तक खास करके, क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड है, इस वीक के एंड तक आपको थोड़ा सा थकापन भी लग सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत काम किया इस वीक में, या फिर बहुत सारा काम मिल गया मुझे करने को, और कहीं ना कहीं इसी के चलते ये रियलाइजेशन कि ये एक्चुअल में आपका पैटर्न है, ये एक्चुअल में आपकी आदत है कि आप बाकियों का काम भी अपने सिर ले लेते हो और इस तरीके से आप थकते हो, सारी जिम्मेदारियों को आपको ही उठाना है। और ये रियलाइजेशन एक्चुअल में बहुत बड़ी रियलाइजेशन है, क्योंकि ये आपको आपकी लाइफ के, आपकी लाइफ में कहाँ पर आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसे देखने में भी आपकी मदद करेगी। ओके, कहाँ पर, एक तो होता है ना कि मैंने ही हाथ बढ़ाया है कि हाँ चलो मैं तुम्हारा काम कर लेता हूँ, और एक है कि सामने वाला भी हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है। तो ऐसे किसी पर्सन की भी रेवलेशन हो सकती है आपको कि वो कौन सा पर्सन है जो बेसिकली आपकी यस का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि आप तो यस बोल दोगे कि हाँ भाई मैं भी कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ, लेकिन यह पर्सन है कौन जो आपके यस का फ़ायदा उठा रहा है, या फिर वो कौन से लोग हैं जिनको लाइफ में आपको नो कहने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ों की रेवलेशन है इस वीक में। ओके, आई ऑल्सो बिलीव इस वीक में आपको ये भी कहा जा रहा है अपने लिए करियर वाइज कोई न्यू बिगनिंग कीजिए। आपको आइडिया मिल जाएगा अगर आप ये भी कह रहे हो ना कि नाज मेरा मन तो है करने का लेकिन न्यू बिगनिंग मुझे दिख तो नहीं रही है, लेकिन इस वीक में क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है तो करियर में न्यू बिगनिंग आएगी, कोई ना कोई नया आइडिया आएगा, कोई ना कोई नया एनर्जी एक्सचेंज भी हो सकता है, कुछ स्टडी को करने का भी यहाँ पर आपको मौका मिल सकता है विद द हायरोफेंट कार्ड, किसी टीचर के साथ कनेक्ट होकर ये भी आपको आगे करियर में न्यू बिगनिंग में लेकर जा सकती है। इस चीज़ की आपको कहा जा रहा है इसके रिगार्डिंग एक्शन लो, पावर है इस वीक में आपके पास, क्योंकि हमारे पास द एम्परर एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। सो इस चीज़ की करियर में ये जो न्यू बिगनिंग है इसके रिगार्डिंग आप एक्शन ले सकते हो, बस यहां पर ये जो आपकी इनर इंजीनियरिंग है, जो स्पिरिचुअल पाथ है, इसको ज्यादा हावी मत होने देना। इस वीक में अपने स्पिरिचुअल पाथ को, स्पिरिचुअल जर्नी को एक तरफ रखना है और अपने प्रैक्टिकल लाइफ को, अपने प्रैक्टिकल जर्नी को एक तरफ रखना है। ओके, प्रैक्टिकल लाइफ में आई बिलीव आपको बहुत लॉजिकल होना पड़ेगा इस वीक में स्कॉर्पियो, बहुत लॉजिकल। आप यहां पर जैसे इमोशंस में बहकर डिसीजंस नहीं ले सकते या सजेशंस नहीं दे सकते या अपने मुंह से कोई बात नहीं निकाल सकते। इमोशंस में बहकर भी कभी कभी हमारे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिन्हें एक्चुअल में हम मीन नहीं करते, हम ऐसी बेवकूफ़ी में निकाल दी। तो यस, बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल होना होगा। रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्स देना, रिस्पॉन्ड कैसे दिया जा सकता है उस पर ध्यान दीजिए। ओके, और उसके लिए पॉज में उतरना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोलने से पहले मैं थोड़ा समझूं, जो मैं देख रहा हूं उसमें भी मैं थोड़ा पॉज की एनर्जी को लेकर आऊं कि मैं जो देख रहा हूं क्या मैं वही देख रहा हूं जो है, या सिर्फ जो मुझे दिखाया जा रहा है मैं वही देख रहा हूं। ओके, तो ये बहुत टेक्निकल काम है तो थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान देना होगा। आई ऑल्सो बिलीव इस मंथ में कह रही हूं, इस वीक में कोई ना कोई स्पिरिट भी है आपके इर्द गिर्द जो आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। ये किसी संत की, किसी सेंट की, किसी सेंट की स्पिरिट है ये। जैसे ये जो सेंट हैं इनकी एक ह्यूमन बॉडी रही है और जैसे कह लीजिए कि इनका जो लास्ट बर्थ था उसमें इन्होंने इनलाइटनमेंट को पा लिया। तो आई डोंट नो ये एग्जैक्टली कौन से संत या महर्षि हैं, जब मैं ये शब्द बोलूँ आपके दिमाग में जिनका भी नाम आए, ऑर्गेनिकली जिनका भी नाम आए संत शब्द से या फिर महर्षि शब्द से, देवी शब्द से, तो वो जो भी हैं वो वही आपके स्पिरिट गाइड हैं और ये बेसिकली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ये आपके फ्यूचर में जो हलचल है वो उसके कुछ विजन्स आपको दे सकते हैं कि आपके फ्यूचर में ये सब चीज़ें हो रही हैं, फ्यूचर में आप ये सारे काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रेपरेशन कि ये स्पिरिट आपको बेसिकली ये कह रही है कि आपको इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आपके फ्यूचर में ये सीन बन रहा है। तो यस, ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। आप थोड़े से पर्सनलाइज्ड मैसेजेस देखेंगे यहाँ पर स्कॉर्पियो के लिए, पर्सनलाइज्ड मैसेजेस क्या हैं यहाँ पर। ऑल राइट, लेट्स सी।
we have 8 of cups ke liye hai, king of pentacles, 7 of cups, 6 of swords, temperance. Wow, chariot, nice. We have 3 of wands, knight of wands, ace of wands, 10 of swords and the hermit. बॉटम ऑफ द डेक में है अगेन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी. यू नो नाइट ऑफ कप्स के हाथ में एक कप होता है, उसका कप, यू नो, ये इस कप को शेयर करने से नहीं डरता क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है. सबसे पहले तो उसने आर्मर पहना हुआ है और डिवाइनली गाइडेड भी है. एंजल्स इसे प्रोटेक्ट करते हैं, एंजल्स इसे गाइड करते हैं और आपके लिए आर्क एंजल राफियल और आर्क एंजल माइकल दोनों ही आए हैं आपकी रीडिंग में. ओके, सो येस, आई बिलीव यहाँ पर अगर आप अपने किसी आइडिया को, किसी बात को शेयर करने के बारे में सोचो इस वीक में, तो डरना मत. ओके, आप डिवाइनली गाइडेड भी हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी हो और ये शेयर करने की जो कॉन्शियसनेस है ये आपकी रिसेप्टिव एनर्जी को भी ओपन करेगी. क्योंकि जब भी हम शेयर करते हैं हम रिसीव भी करते हैं, हम जब देते हैं तो हम लेते भी हैं. ओके, इस ये बेसिकली रूल है. और यहाँ पर जो चैरियट कार्ड की एनर्जी है ये इसी एनर्जी एक्सचेंज को भी दर्शा रही है. ओके, सो यस, डरना मत, अपनी बात कह देना. यहाँ पर एट ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आई बिलीव अगर, जैसे मैंने कहा, आप उसे यू नो डेफिनेटली आपके पास एक मास्टर प्लान है कि मुझे ये नहीं करना, ये मुझे करना है, तो ये जो प्लान है अगर आप इसके रिगार्डिंग ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते हो और एक्शन लेते हो, ये जो ऊर्जा है ये फ्यूचर में आपको यहाँ लेकर जाएगी. स्कॉर्पियो, ये जिस दिशा में बढ़ रहा है ना अभी, आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ अबंडेंस हो सकता है कि ना दिखे, लेकिन ये जिस दिशा में बढ़ रहा है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जा रहा है. ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी अबंडेंस, अपनी स्किल से अपना नाम, अपना कारोबार खड़ा करना, पैसा कमाना, अपने ऊपर जिसको आप खर्च सकें, अपनी फैमिली पर खर्च सकें, तो यस, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है क्योंकि आपके फ्यूचर में बैठी ही ये एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की, सॉलिड करियर. ओके, तो इस चीज़ की जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है और जहाँ आपको पहुँचना है इस मास्टर प्लान के रिगार्डिंग, बस एक्शन लेते रहना. ओके, टेन ऑफ वॉन्स एंड सेवन ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा कुछ चीज़ें रिवील होंगी आपको. ओके, कि आपकी येस का कौन फ़ायदा उठाता है, और जैसे ही ये चीज़ रिवील होगी आपके लिए, आई थिंक विद द सेवन ऑफ कप्स एनर्जी आपको आपके कुछ सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस भी नज़र आ जाएंगे. आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने आप को कहाँ पर कन्फ्यूज कर देते हो और कैसे कर देते हो. आई थिंक कन्फ्यूजन कैसे होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सभी की स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाएगा कि कोई चीज़ हमारे साथ हो कैसे रही है तो हम उसको करना छोड़ सकते हैं. राइट, तो यस, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको थका रही हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपका कीमती समय बर्बाद कर रही हैं, ऐसी कुछ चीज़ें डेफिनेटली रिवील होंगी इस मंथ में. मैं आपको इनकरेज करती हूँ कि इन चीज़ों को अपने जर्नल में आप लिख सकते हैं. ओके, विद द हैंड मैन एंड विद द सिक्स ऑफ सोर्ड्स, यस, अगेन आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि मूवमेंट है. मुझे जीवन में कहाँ पहुँचना है, जीवन में मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, मुझे कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, और इन सब चीज़ों को लेकर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके पास अवेलेबल होगा. आप अपनी मूवमेंट शब्द को लेकर कि मेरा जो नॉर्थ नोड है, मेरी जो डेस्टिनी है, यू नो, उसे मैं बेसिकली देख कैसे रहा हूँ, मैं अपने फ्यूचर को कैसे देख रहा हूँ. ओके, विद द सिक्स ऑफ सोर्स एनर्जी, आई ऑल्सो बिलीव कि आप अपने किसी ट्रैवल प्लान को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं. हो सकता है कि आपका कोई ट्रैवल प्लान जो आपको लग रहा था कि मुझे यहीं पर जाना है, हो सकता है कि कोई ऐसी रियलाइजेशन हो कि नहीं, यहाँ नहीं, मुझे कहीं और जाना है. ओके, तो ट्रैवल प्लान्स में डेफिनेटली यहाँ पर चेंजेस हैं. एस ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पर. आई थिंक डिवाइन आपको यहाँ पर सही करियर पाथ के साथ भी कनेक्ट करने की साजिश कर रहे हैं जैसे. ओके, और इस करियर पाथ के साथ साथ आपके जीवन में अच्छा प्यार भी आए, जैसे कि सही करियर पाथ ही आपके लिए सही पार्टनर को भी लेकर आएगा, उसकी अलाइनमेंट को लेकर आएगा. ओके, सो यस, इस वीक में जब भी ये न्यू बिगनिंग का करियर को लेकर, मनी को लेकर, एनर्जी एक्सचेंज को लेकर कोई आइडिया आए, आपको कहा जा रहा है उसके रिगार्डिंग एक्शन लो. क्योंकि एक्शन तो आप यहाँ पर इसके रिगार्डिंग लोगे, लेकिन लव लाइफ में आपके बाहर अपने आप से आ जाएगी, जैसे ये उसका बाय प्रोडक्ट है. इसके रिगार्डिंग फिर आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, प्यार, सोलमेट की एनर्जी, यूनियन, न्यू बिगनिंग्स, हार्मनी, या फिर कह लीजिए कि तुम मुझे अपने मन की बात बताओ, मैं तुमको अपने मन की बात बताता हूँ, ये चीज़ बेसिकली अपने आप से हो जाएगी. ओके, इस चीज़ की, इस क्रिएटिव आइडिया पर, इस पेंटिकल के आइडिया पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. ओके, द हायरोफेंट एंड द चैरियट, डेफिनेटली इस वीक में अगर आपको किसी गुरु के साथ भी, किसी टीचर के साथ भी कनेक्ट होने का मौका मिले तो आपको ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए. ये आपको आपके जीवन के बहुत सारे दृश्य, बहुत सारे राज बता सकता है ये टीचर. ओके, आप जितना अपने लिए मांग रहे हो, जितना आप अपने लिए सोच रहे हो, उससे बड़ी पिक्चर दिखा सकता है आपको ये टीचर. ओके, इनकेस ये कोई फिजिकल टीचर नहीं है तो ये कोई किताब भी हो सकती है. ओके, आपका कोई स्कूल का टीचर भी हो सकता है.
ये जो भी हायरोफेंट है इसके ज़रिए आपको बाकी किसी अपने जैसे कह लीजिए सोल ट्राइब से भी मिलने का मौका मिलेगा. ओके ये चैरियट भी जो है ये अपने जिन लोगों को जानता है उनको पीछे छोड़कर नए लोगों की तलाश में ही निकल रहा होता है. तो अगर स्कॉर्पियो ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है कि मुझे नए लोग चाहिए, नए चेहरे, नए नाम, ऐसे लोग जो मेरे नए सोल फैमिली मेम्बर्स बन सकें, तो उसमें ये जो गुरु है ये आपकी भूमिका निभाएगा. ओके तो यस, इस वीक में अगर किसी भी लिहाज से कोई एनर्जी एक्सचेंज करने का भी मौका मिले स्टडी के लिहाज से तो आपको वो करना चाहिए. ओके ये एसोटेरिक विजडम भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग का सिंबल मौजूद है. नेक्स्ट है यहाँ पर द एम्परर एंड थ्री ऑफ वॉन्स. ऐसा लगता है स्कॉर्पियो कि आप विद द थ्री ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी इस फिर से वही चीज़ है कि मैं पीछे क्या छोड़कर आया हूँ और अब मुझे आगे क्या जाना है. और क्योंकि यहाँ पर एम्परर की ऊर्जा पहला कार्ड है, यहाँ पर उसको हमने क्लैरिफाई किया था थ्री ऑफ वॉन्ट्स से, ये ऑलरेडी आपके डिज़ायर है, ये ऑलरेडी आपका रुतबा है, ये ऑलरेडी आपका वर्जन आपने अपने माइंड में क्रिएट कर रखा है. ओके ये है, इसको ऐसा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एम्परर बनूंगा. इस चीज़ की आपकी इमेजिनेशन में ये ऑलरेडी ऊर्जा मौजूद है. इस चीज़ की इसके रिगार्डिंग जो विजन है उसका कोई पहला पेज, कोई पहला चैप्टर, कोई पहला क्लू आपको दिख सकता है इस वीक में कि मैं एम्परर बनूं कैसे. अगेन आपकी रीडिंग में ऐसा बहुत सारा एम्फेसिस है कि आप किसी चीज़ को करें कैसे, ये सारे आंसर्स जो हैं इस वीक में आपको रिवील होंगे. ओके आई ऑल्सो बिलीव कि बर्थ, यहाँ पर जैसे बर्थ की भी एनर्जी है कि आपको किसी या तो किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है या फिर अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो यस आई थिंक ये बहुत ही अच्छा हफ्ता है ट्राई करने का. ओके क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है आपकी वूम के इर्द गिर्द भी. ओके क्रिएशन, बर्थ, ये शब्द बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएंगे. किंग ऑफ सोर्ड्स एंड अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स. प्रैक्टिकल सुझाव, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल सजेशंस यहाँ पर बेसिकली, क्योंकि उन्हीं से ही आगे बढ़ा जा सकता है. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इस वीक में आप ज़्यादा इमोशंस में नहीं बह सकते. ओके आप इमोशंस में नहीं बह सकते. इस वीक में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी मेडिकल फील्ड के पर्सन के साथ भी कनेक्ट होने का मौका मिले या फिर उनके क्लिनिक में या फिर उनके हॉस्पिटल में भी जाने का मौका मिले या फिर ऐसा कोई सिचुएशन भी बन सकती है जहाँ पर आपको लगे कि मुझे प्रोफेशनल हेल्प चाहिए किसी से, मुझे प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए किसी से और आपको कहा जा रहा है कि वो रिकमेंडेड है क्योंकि इससे भी आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी. ओके नेक्स्ट है यहाँ पर द हर्मिट एंड एस ऑफ वॉन्स. आई थिंक ये एक रिमाइंडर है आपके लिए कि यह समय समय पर हर्मिट की एनर्जी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है, लेकिन समय समय पर इससे बाहर निकलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बहुत लोगों की ये जर्नी में देखा है कि वो हर्मिट में जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन फिर वो वहीं पर बैठे रहते हैं. प्रैक्टिकल लाइफ में उनका कोई जोर नहीं है, वो मोह माया ही तोड़ लेते हैं पूरी तरीके से. तो ये एक रिमाइंडर है कि यस जो आपको पोर्टल में टैप इन होने को कहा था वो एक दिन होगा ज़रूर इस पूरे वीक में, लेकिन इस वीक में हर्मिट के साथ साथ आपको एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी को भी चूज़ करना है. देखिए कि आप किस स्पेक्ट्रम में हो. अगर आप काफ़ी लंबे समय से हर्मिट एनर्जी में हो तो अब एस ऑफ वॉन्ट्स में जाने का समय है. बाहर निकलिए, कुछ शॉपिंग वगैरह पर जाइए, कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, अपना हेयर स्टाइल चेंज कीजिए. ओके इन केस आप बहुत समय से यही कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार मैं अपनी मेडिटेशन को मिस कर रहा हूँ, अपनी सुबह की प्रेयर्स को मिस कर रहा हूँ, तो आपके लिए ये ऊर्जा हो सकती है. इस चीज़ की आपको अपनी स्पेक्ट्रम को देखने की ज़रूरत है. ओके So we have Page of Wands and then we have Ten of Swords. Ten of Swords एक ending है और एक ऐसी ending जिसके end में तकलीफ पैदा हो रही है. यहाँ पर आप blood देख रहे हैं, Swords की backstabbing देख रहे हैं. I think ये फिर से यही बात करता है कि आप अपनी difficult endings को या अपनी difficult ऊर्जाओं को कैसे replace करते हैं. Page of Wands एक बहुत ही naughty सा, एक बहुत ही चंचल सा page है, ज़्यादा चीज़ों को seriously नहीं लेता और इस वजह से इसके replace करने की power बहुत बढ़िया होती है. तो टेन ऑफ सोर्ड्स में अगर इस पूरे हफ्ते में या इस पूरे हफ्ते के एंड में आपको कोई ऐसी एंडिंग भी देखनी पड़े जिसमें आपको लगे कि ये टफ था मेरे लिए, इसने मुझे हर्ट कर दिया कहीं ना कहीं फिर से, या ट्रिगर कर दिया मुझे, या मुझे बैक स्टैबिंग सी महसूस हुई, तो आपको कहा जा रहा है कि उस सीन को, उस एक्सपीरियंस को, उस एक्सपीरियंस को ज़्यादा सीरियसली मत लेना. ओके रिप्लेस कर देना अपने फन के साथ, अपने फ्यूचर की एनर्जी के साथ, अपने फ्यूचर प्लान्स के साथ आगे बढ़ना.
लिटरली 10 के बाद ही पेजेस की एनर्जी शुरू होती है. तो यस, आगे बढ़ना. ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हर्मिट कार्ड. आई बिलीव यहाँ पर जो भी साइकिक एनर्जी है, यहाँ पर जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस हैं, ये हमेशा, मतलब जिस मैंने यहाँ पर आपको इस कार्ड से भी कहा, ये हमेशा उस स्पेस में रहने को नहीं होते. इस चीज़ की हम साइकिक वर्ल्ड में जाते हैं, साइकिक राम में जाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं और उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लगाते हैं. तो येस, आई थिंक यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स पे यही सजेस्ट कर रहे हैं, ये दोनों किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, राइट, ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ऑब्जर्व करना और उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करना, आप क्या देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में. जो आप देख रहे हो, आपकी आईज, टीवी वगैरह, फ़ोन में भी जो आप देख रहे हो, उस पर गौर फरमाना. कोई ना कोई क्लू उसमें भी आपके लिए होगा, हेल्प होगा आपके फ्यूचर को लेकर या आपकी करंट सिचुएशन की हीलिंग को लेकर. ओके, थोड़े से और मैसेजेस, एडवाइस या फिर कोई और हलचल स्कॉर्पियो के लिए. Surrender now. Transformation is beautiful. This or that, this and that are true. Trust the great mystery. And then we have spirit has a plan. हमने plan की ही बात बोली थी आपको. और bottom of the deck में है यहाँ पर sweet results await. तो yes, आप यहाँ पर अच्छी चीज़ों की कामना ज़रूर कीजिए क्योंकि वो आपके लिए हैं in store. Okay? Spirit has a plan for you. लेट्स से कि स्कॉर्पियोज कह रहे हैं, आई डोंट हैव अ प्लान फॉर माई सेल्फ, फॉर माई लाइफ, मैं क्या करूँ, आई एम फीलिंग लॉस्ट. सो येस, विच मीन्स कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है क्योंकि स्पिरिट हैज़ अ प्लान फॉर यू. ओके, साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री. आई थिंक कोई क्लाइमैक्स है, जैसे यहाँ पर कोई कुछ रेवलेशंस है जो आपके सामने आने वाली है और इस वजह से बहुत सारी इंट्यूटिव एनर्जी है, आप कुछ देख भी रहे हो. ओके, सो कुछ बड़ा होने वाला है स्कॉर्पियो, मैं बस यही कहूँगी आपको. मैं आगे और भी रीडिंग्स करूँगी, आई थिंक मैं कुछ बोनस रीडिंग करने का भी सोच रही हूँ अगस्त का. सो लेट्स सी अगर उसमें कुछ रिवील होता है, बट यस, कुछ बड़ा होने वाला है आपके साथ. ओके, और ये जो भी है ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है. बस सरेंडर करके रखना, जिन चीज़ों के रिगार्डिंग एक्शन लेने को कहा है वो एक्शन लेते रहना और समझते रहना कि ये जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, अगर इसमें कुछ टफ चैप्टर्स भी हैं, इसके बावजूद ये ट्रांसफॉर्मेशन ब्यूटिफुल है क्योंकि ये मुझे रिलीज करने में मदद कर रही है, मुझे इवॉल्व होने में मदद कर रही है. ओके, डॉल्फिन स्पिरिट की एनर्जी यहाँ पर, अगेन आपको हैप्पीनेस को चूज़ करने को कहा जा रहा है. ओके, दिस एंड दैट, ये इन बिटवीन एनर्जी है. किसी भी केस में, किसी भी सिचुएशन में हैप्पीनेस को डेफिनेटली डिस्कवर किया जा सकता है. ओके, हैप्पीनेस को अगर आपको अपनी चेतना में भी ढूंढना है तो अपने लाइफ में जो पास्ट में हैप्पी मोमेंट्स हुए हैं उनके बारे में सोचिए, तो आपको जो है हैप्पीनेस की एनर्जी आपकी चैनल हो जाएगी. ओके, सो यस, हैप्पीनेस को ढूंढा जा सकता है किसी भी सिचुएशन में, ये मैसेज है डॉल्फिन स्पिरिट का. ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग स्कॉर्पियो, बहुत इंटेंस रीडिंग. होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कर सकते हैं. ओके, टेक केयर, बाय.